क्योंकि बीच में आंटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी। जानवी इतनी चिड़ी हुई है। अब तू कर ले काम प्लीज। कपड़े के साथ अपनी बहन भी चैरिटी में देनी है, क्या मैं दे सकती हूँ? Hi guys, good morning and welcome to my YouTube channel, The Brown Daughter. I'm Janvi Tiwari and I am vlogging today. I just got up, I just took shower. Aaj hai Thursday, right now it is 10:33. Let's go eat and then I'm supposed to go to Mandir. I'm going to tell you all why I'm going to Mandir. But usse pehle, let's go round. Sab breakfast kar rahe hai, main late hu. So chalo, breakfast karte hai. Aajao. Good morning guys. Good morning. Good morning. ये लोगों का आधा ब्रेकफास्ट हो चुका है, लेट हूँ। तो ध्यान ही मुझे समझ ही नहीं आ रही, इतनी संस्कारी बनके ये संस्कारी बनके क्यों आई, इसको समझ नहीं आ रहा। कुर्ती पहन के नहा के सुबह सुबह आ रही है। मैं के ओ तो, अपने फोन करा ले इसमें सब कुछ तो मैं नहीं, मैंने बताया नहीं, मैं बताऊंगी। सो मैं ना थोड़े दिन पहले मुंबई में थी यशवी के साथ एंड आई लॉस्ट माई सेकेंड फोन विच इज माई वर्क फोन। और मैं वो जो ट्रिप पे थी ना, दैट ट्रिप वॉज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव और सारी चीज का फुटेज वॉज इन दैट फोन ओनली और वो फोन खो गया था। बड़ी सिटी में एक्चुअली काफी अलग चीजें होती है। तो मैं तो बहुत ही ज्यादा वो हो गई थी कि अब ये फोन नहीं मिला तो मेरा तो बहुत ज्यादा लॉस, मतलब फोन का लॉस, कंटेंट का लॉस, दोनों का लॉस। तो मैंने ऐसे कहा था अगर मेरा फोन वापस मिल गया मुझे तो मैं 7 Thursdays मंदिर जाऊंगी। तो आज वो फर्स्ट थर्सडे गाइस, क्योंकि मुझे मेरा फोन तो मिल गया। ये रिश्वत देने वाली जींस मेरी मम्मी से पास ऑन होके भूरी बेटी तक पहुंची। ये कोई रिश्वत ही नहीं है। कट कर देना ये। मंदिर के बाद भी गाइस हमें आज बहुत काम है, हमें ठीक करनी है हमारी क्लोसेट जो सालों से अरसों से हमें करनी है। तो हम सोच रहे हैं फाइनली कर लें। बस बहुत सारे कपड़े जो हम नहीं पहनते, जो मुझे लगता है ये अभी भी करेगी, खाली बोल रही है गाइस ये नहीं करेगी। Hi guys, this is filming editing जानवी and मैंने ना थोड़े दिन पहले vlog किया था अहमदाबाद में जो मैंने कभी नहीं डाला and I want you all to watch that part. So पहले वो देख लो फिर हम ये vlog से continue करेंगे। Hi guys, good morning. It is 8:14 right now और मैं निकल चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ अहमदाबाद। मुझे थोड़ा बहुत काम है तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी लेके चलती हूँ। वैसे तो हमेशा मुंबई जा रहे होते हैं बट फॉर अ चेंज आज हम अहमदाबाद जा रहे हैं। अहमदाबाद इज मोर फार फ्रॉम सूरत, मतलब मुंबई जाने के लिए हमें लगता है 3-4 घंटे और यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए हमें लगता है 5 घंटे। सो चलते हैं, आई थिंक हम आज रिटर्न भी आने वाले हैं, देखते हैं क्या करना है अभी, लेट्स गो। मैं रास्ते में लेने वाली हूँ फरसान क्योंकि मुझे ट्रेन का खाना थोड़ा कम पसंद है, नो ऐसे हेट बट थोड़ा सा कम पसंद है। आई लव माई फरसान, तो मैं फरसान लूंगी और फिर हम चलते हैं। मेरे साथ मानसी भी आ रही है, दीदी इज नॉट विद मी, दीदी को यहाँ पे थोड़ा बहुत काम है तो यहाँ करने वाली है। सो लेट्स गो। Guys, taking a stop at Prem Khaman House. Never sleep in traffic. Just living steady. Morning rituals have started, but I got myself some locha and coffee. Just like gadgets, you tell me with the truth. I'm too bad. Guys, we are in Shatabdi, and बहुत ही बढ़िया seats हैं। मैं जा गई। और पीछे हमारे साथ गांधी जी भी ट्रैवल कर रहे हैं, पॉकेट में नहीं बट यहाँ पे। गाइस पात्रा आर हियर। ठीक है गाइस, मुझे ना ऐसा हैबिट है मेरे पाँव कवर होने चाहिए जब मैं सो रही, तो मुझे भी ठंडी लगती। मैंने ना एक ड्रेस कैरी की है जस्ट इन केस मैं रुक गई तो मैंने वो पाँव पे डाल दिया। आर यू द सेम लाइक मी? It's weird, but it is what it is. Good night. Guys, I'm so happy with Indian Railways. Like every time I travel, I'm ऐसे happy, happy, happy. उन लोगों ने हमें मस्त ऐसे टोमेटो सूप किया है एंड द कटलरी इज लाइक अ 5-star होटल टाइप कटलरी। गुड जॉब इंडियन रेलवे। गाइज आज मेरी फरसान अच्छी नहीं थी और ट्रेन फूड बहुत अच्छा था, नहीं तो कुछ बोलना नहीं चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे आइसक्रीम भी दी गई है, बहुत टेस्टी है। वाह गाइस वाह। ऑल
सो गाइज लुक एट द स्काई लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. ऑल राइट गाइज, डन विथ आर फर्स्ट मीटिंग. लंच का टाइम हो गया है, बट हम लंच करने से पहले जाएंगे एक यूनिवर्सिटी. आई एम हेडिंग टू सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी. मैं वहां पहुंच के बताती हूँ आप लोगों को कि मैं वहां क्यों जा रही हूँ. हेलो एवरी वन, आई एम हियर एट गार्नियर ग्रीन साइंस स्कूल हेल्ड एट सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी ऑफ अहमदाबाद टू नो अबाउट हेयर एंड स्किन केयर बाय एक्सपर्ट्स. एज यू कैन सी देर आर अ लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स गेटिंग देयर हेयर एंड स्किन केयर डन. लेट्स गो. फर्स्ट वी हैव गार्नियर स्किन नेचुरल्स. एक्सपर्ट्स एक्सप्लेन स्किन रिजीम एज we girls put a lot of makeup on our skin. It is very important to keep our skin healthy with Garnier Vitamin C Serum. As you can see, they are showing the demonstration of how the Vitamin C Serum works on our skin. They have taken iodine in the test tube and added Vitamin C Serum in that. And you can see the magic that happens. Exactly this is how it works wonder on our skin. Now comes the Garnier Micellar Water. Mera favorite. It removes makeup very easily. You can use it for any makeup products. We also have Garnier Men here for them to understand about their skincare. Boys really need this too. Let's go to the hair color booth now. As a young girl, everyone loves getting hair color done. Garnier Hair Color helps you choose color with the help of virtual try-on tool. So cool, right? So that you can select the perfect hair color that suits you the best. You can check different colors by swiping. This is so fun. So for everything from skin to hair, Garnier got you covered. After the university, I have come to this place, the Project Cafe. मैं यहाँ पहले भी आई हुई हूँ. अभी हम थोड़ा बहुत खाते पीते हैं and then we have got the train for today itself. हम सूरत जाएंगे आज ही. Hectic day but I like it. तो चलो कुछ खाते पीते हैं, फ़ोन चार्ज करते हैं. फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है. So let's go. Guys, this cafe is really cute. Corners like these. मस्त है. लेट्स गो. इतना तो आज हमने काम नहीं किया, उससे ज्यादा तो हमने ट्रैवल किया. मैंने और मानसी ने खाना ऑर्डर किया था और ये चाश फिनाइल की बॉटल लग रही है मानसी को. बट नाउ दैट यू हैव सेड आई एग्री. अगेन ये रोटी है क्या है पता नहीं गाइस. चिंगम है ऐसा नहीं बोला कि खा ले. वो आज मैं बहुत मीन गर्ल लग रही हूँ. आई लाइक द पनीर बट रोटी क्यों चुई. ओके गाइज, आई एम गोइंग टू द मंदिर. फटाफट मंदिर जाके आते हैं, देन लेट्स स्टार्ट विद आवर डे. वी हैव बंच ऑफ थिंग्स टू डू. सो बैक फ्रॉम द मंदिर और पापा भी मेरे साथ चले गए थे. आंटी जी की थोड़ी सी तारीफ कमेंट सेक्शन में कर दी जाए. कहना क्या चाह रहे हो? आप सुंदर लग रहे हो. थैंक यू. अभी बीच में आंटी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी क्योंकि आंटी अपना ध्यान रखती नहीं है. आंटी एक रोटी खाती है, आंटी सैलड के नाम पे कुछ नहीं खाती है, आंटी फ्रूट्स बिल्कुल नहीं खाती है, आंटी कुछ अपनी केयर करती है नहीं. और शिकायतें बची? बस कपड़े बदले नहीं कि उल्टे उल्टे बेड पे डाल दिए. मैं ये सब करती रहूं, मेरी आधी जिंदगी तो यही सब करने में निकल जाती है. मम्मा चेंज हर आउटफिट और ये मम्मी की फेवरेट लाइन है जो मुझे आज यूज करने को मिल गई. गाइज, माई टूडेज वर्क प्लेस इज दिस. बताती हूँ क्यों. क्योंकि यहाँ नीचे राउटर लगा है और नीचे से नेटवर्क आता है और मुझे आज ड्राइव पे बहुत सारा काम करना है, तो लिटरली मैं लॉबी में बैठ के काम कर रही हूँ. गाइज, गेस व्हाट, आई लुक अ लिटिल होमलेस, बट होम में एवरीवन लुक्स होमलेस आई गेस. मम्मी ने खुद सामने से बोल दिया आज मम्मी फ्री नहीं है और आज मम्मी काम नहीं करवा पाएंगी. और मैं बहुत खुश हुई बात से क्योंकि अब मम्मी मुझे आके ताना नहीं मार सकती ना कि तुम तो फ्री नहीं होती, तुम तो काम करती नहीं हो, क्योंकि मम्मा सेड नो. गाइज, फॉर द फर्स्ट टाइम आई फील लाइक ईटिंग रामेन. सरप्राइज हो गई मैं कि वो क्या बात कर रही है. मेरा रामेन खाने का मन कर रहा है. बदल गई गाइज, मेरी बहन बदल गई है. आज सिर्फ मेरा मन कर रहा है मैं खाऊं. जाह्नवी का अंदर से मन पनीर पसंदा, पनीर लबाबदार, पनीर कढ़ाई, पनीर बाल्टी सब. यहाँ पनीर बाल्टी खाती है, इसके एक दो रेस्टोरेंट में फिक्स है पनीर बाल्टी. खाना वाना तो नहीं लगा ना मेरे मुंह पे. गाइस, दिस इज द रामेन दैट आई एम गोइंग टू मेक. दिस इज सुपर स्पाइसी, आई नो दैट, एंड दिस इज द वेजिटेरियन वन. ये देख रहे हो, लेट्स मेक इट.
गाइस आवर रामेन इज रेडी। भाई मेरे ख्याल से तूने रामेन को ओवरकुक कर लिया है। नहीं किया है। और अगर किया भी है तो खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो नहीं खाओ। गाइस दिस इज द वेरी स्पाइसी वन। ओके इट इज स्पाइसी। आई मेक बेटर रामेन बट इट इज वेरी स्पाइसी। आई लव इट। इट हिट्स माय टेस्ट बड्स। हां राइट नाउ ऐसे टेस्ट बड्स को जाकर ये लगाना तीखा लगाना तीखा ऐसे करता है ये। एंड दिस इज नॉट स्पाइसी इन अ वे, इट इज वेरी नाइस स्पाइसी। रामेन जो रात को ईट करती है ना कुछ देखते देखते, वो सिर्फ आपके टेस्ट बड्स को नहीं आपकी सोल को अंदर अंतरी आत्मा को हिट करती है। वाओ आई लव दिस। गाइस भूरी बेटी 40 सालों से बोल रही है कि कबाड़ ठीक करनी कबाड़ ठीक करनी कबाड़ ठीक करनी, पर कर ही नहीं रही है। आज मैं फुल तैयार होकर मैंने अपने सारे काम कैंसिल किए हैं कि ये भूरी मैडम जी उठेंगी और हमारी कबाड़ ठीक होगी, पर अब ये भूरी मैडम जी उठ ही नहीं रही है और अब मैं फिर अपने काम पे क्लोज टू अ ब्रेकडाउन बिकॉज यू गाइस डोंट सी थिंग्स बिहाइंड। जानने के कोई तो ब्रांड उसको बहुत रुला रहा है गाइस एज यूजुअल। तो गाइस ऐसी बात है कि ये रोए या ये गाए हमें तो आज क्लोजर ठीक करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास समय नहीं और हमारे कबाट में थोड़ी सी जगह भी नहीं और मैंने एक दो लोगों को बोल रखा है कि इन्फ्लुएंसर बनने से पहले प्लीज 10 बार सोचना अपनी जॉब छोड़ने से पहले, क्योंकि यहाँ पे ना आप अपना मेंटल पीस भी बेच रहे होते हो जो आपको सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहा होता है। जेन्युइनली स्पीकिंग दिस इज द रियलिटी ऑफ बीइंग एन इन्फ्लुएंसर। लोग एकदम फैंसी फैंसी बूझी बूझी लाइफ जीते हैं, पैसा मिलता है लेकिन आपका दिमाग का एक जो लेवल होता है ना वो चला जाता है, आप बेच देते हो। बहुत नाजुक कली हूँ मैं ये कहना चाहती हूँ बाय द वे। जानवी इतनी चिड़ी हुई है कि वो बिना रीजन के भड़क रही है। रीजन के साथ भड़क रही है गाइस। ये काम करती है यहाँ पे, ये इसका स्टूडियो स्पेस है मेरा रूम और सारा सामान इधर ही छोड़ के चली जाती। ब्रेक लगाइए ब्रेक। ओके गाइस मैंने मेरी सारी प्रॉब्लम्स को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया है और मैं जा रही हूँ खाना खाने क्योंकि फूड फिक्सेस एवरीथिंग फॉर मी और शायद मुझे भूखी लग रही है इसके लिए भी मैं ज्यादा चिड़चिड़ कर रही हूँ। सो लेट्स गो लेट्स ईट अच्छा सा लंच एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्लीनिंग। पार्सल आया है लेट्स ओपन इट। गाइस नॉट स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सरशिप वाले तो वीडियो लाइव नहीं करते हमारे साथ। सो लेट्स ओपन दिस। ओ भाई साहब ये तो सुंदर लग रहा है। आंटी जी इज लुकिंग वेरी क्यूट टुडे बाय द वे, एकदम क्यूट सी फ्रॉक में। और हमारा खाना ऑलरेडी लग चुका है। वी हैव बैगन का भरता बाय बड़ी मम्मा, वी हैव पालक बाय मम्मा, रायता बाय बोथ एंड मम्मा बोथ। हमने खाना खा लिया है एंड वी आर आउट ऑफ एक्सक्यूजेस सो वी आर इन द क्लोसेट। मैं सोच रही हूँ हमें सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज वही एक बहुत बड़ा सेक्शन है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉप्स। दिस इज द फर्स्ट ड्रॉअर जिसके अंदर बहुत सारे ब्लू कलर के टॉप्स एंड पिंक कलर के टॉप्स है। सो लेट्स सॉर्ट दिस आउट गाइज लेट्स गो। ऐसे अगर मम्मी ने दे दिया मुझे तो आके बहुत मारेंगी तो मैं अच्छे से करती हूँ। तो हमारे कपड़े तो फिर भी बहुत ज्यादा अच्छे से लगे हुए हैं, लाइक इट इज नॉट अ मेस मेस के आपको कोई चीज मिल नहीं रही हो, मिल सब कुछ रहा है, जस्ट दैट वी आर ओवरफ्लोइंग राइट नाउ। सो हमें वो कपड़े निकालने हैं जो हम पहनते नहीं है ताकि हम डोनेट कर सके। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। माई रूल इज हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम रखने वाले या नहीं रखने वाले, बिकॉज आई एम अ होर्डर। मैंने ऐसा सोचा है अगर वो टॉप मैंने लास्ट 6 महीने में नहीं पहना है या नहीं सोचा है मैंने उसके बारे में तो मैं उसे निकालूंगा। हेतल आंटी एंड मम्मी इज गोइंग टू हेल्प अस क्योंकि इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। गाइज इतना रेयर मोमेंट है दैट वी ऑल्सो हैव ऑडियंस हमारे पास, दादी देखने आई है क्लोजेट साफ हो रहा है और गोपाली मैडम फॉर अ चेंज गाइज आज काम कर रही है फॉर अ चेंज। और मत कर और एक सेकंड इसने क्या किया था, देखो हम टॉप्स ना ऐसे लगाते हैं ऐसे, ये मैडम जी ने टॉप्स ऐसे लगाए थे, पता नहीं कहाँ से मैडम जी का अजीब सा दिमाग। इससे क्या फर्क पड़ता है, आई स्टिल डोंट नो उससे क्या फर्क, पागल हो क्या आंटी से पूछो फर्क नहीं। पर तमे जो आम आम मुकी दो पर तू है तो क्या हम सीधा या मैं बद्दा मुकी नहीं तू एक भी नहीं माय डम या गाइस ये हमें हमारी मदद करने आई थी थोड़ी सी, सास बहू गप्पे मारने लग गई हैं यहाँ पे बैठ के। ये काम भी जरूरी है, सही बात है। गाइस हमने यहाँ पे अरेंज कर लिया है, पिंक और ब्लू के सेक्शन हमने यहाँ पे कर दिए हैं और ये हमने थोड़ा सा ऑरेंज येलो ग्रीन किया है और यहाँ पे हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। अब हम ना इसे भरना नहीं चाहते क्योंकि फिर मिल नहीं पाता, अभी जैसे ये नीचे वाला हुआ नहीं तो बहुत ऐसे फंस रहे हैं। अभी हमारे पास इतने कपड़े और पड़े हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हम कहाँ रखेंगे, सो वी आर जस्ट फिगरिंग दैट आउट। गाइस आने के बाद नॉस्टैल्जिक के लिए रखे हुए हैं, मैंने कॉलेज का यार कॉलेज वो भी मेरा कॉलेज का डॉक्यूमेंट निकाल दिया ड्रेस
ड्रेस अगेन। ओके, अब मैं बहुत ही ज्यादा बकवास कर रही हूँ, सो आई शुड गो। Guys, all the ugly dresses that you see are owned by my sister. ये वाला टॉप guys, मैंने ये वाली ड्रेस मैंने मंगवाई थी, मेरे अलावा यश्वी ने, ऋषि ने, एक दीदी ने, सब ने पहनी। Guys, ये ड्रेस मैंने बहुत शौक से मंगवाई थी। नहीं नहीं नहीं, मार दूंगा। Guys, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है। सही बात है, सफाई करने के बाद तो मजा कुछ अलग ही आता है। सही चीज तो है, जब तक करो नहीं तब तक मजा नहीं आता ना। लेकिन अब गोपाली मैम करवाई हो गया फिर तो ठीक है। हो गया तो फिर मैं निकलती हूँ। तो ये कैसा तरीका इसका हो गया? हम सब बोलने हो गया तो ऐसा ही पड़ा रहेगा। ये तो ये ऐसे क्यों बोलेगी? अगर मैं काम करूँ तो हो गया। नहीं नहीं, सब मिलके करो ना। हाँ तो बोल दीदी, अब मैंने कहा अब तू कर। हाँ, बोल दे, इतना प्यार से कौन तो उसमें क्या परेशानी? दीदी है तुम्हारी, अब तू कर ले काम प्लीज। आई एम अ वियर्डो। चलो ठीक है, इतना चलेगा। अंदर से इसकी डायन बाहर आई है मम्मी। हाय राम डायन। मैं मेरे रूट्स नहीं भूलती गाइस। ऐसे वाले भी है ना, चलो ये कितने लगा के देती है देखती हूँ। ये ऊपर कैसे? अच्छा, वहाँ जाने वाले गाइस। मुझे ये जो हमने कपड़े निकाले इसके साथ, कपड़े के साथ अपनी बहन भी चैरिटी में देनी है, क्या मैं दे सकती हूँ? अगर आपको भी लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। गाइस, इट इज टी ब्रेक। चीयर्स गाइस। चीयर्स करके इतनी गर्म चाय पी ली। चीयर्स करके। सो फार दिस इज आवर फर्स्ट ड्रॉअर, दैट्स आवर सेकेंड ड्रॉअर। कितना मस्त लग रहा है, ब्राइट ब्राइट। देन वी हैव द थर्ड वन हियर, एंड देन वी ऑल्सो हैव द फोर्थ वन हियर। और हमने ना थोड़ी खाली जगह छोड़ी है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा शॉपिंग करते रहते हैं तो जगह नहीं होती, तो हमने एक्स्ट्रा स्पेस रख रखी है। हमने यहाँ पे ड्रेसेस भी कर लिए, यहाँ पे सारी शॉर्ट ड्रेसेस है, यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग मिडी टाइप ऑफ ड्रेसेस है। सो इतना सेक्शन हमारा हो चुका है, अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स दी शॉर्ट एंड ब्लेजर्स। लेट्स डू दिस। I did legs today and now I am going to pick Yashvi. We are going for dinner and then I'm going for a movie which I'm very excited about. I don't know kaisi hogi, aaj hi aayi hai. So let's go. Guys, this is the movie we are going to watch. That is it for this vlog. I hope you all enjoyed watching this video. अगर आपको अच्छा लगा हो तो don't forget to like, share, subscribe and comment down. और मुझे Instagram पे भी follow कर लेना. And I'm going to see you in my next video. Bye bye.